नमस्ते लेट्स टॉक भारत में आपका स्वागत है आई एम देवी प्रसाद विद यू हियर टुडे एंड वी विल बिगिन आर सीरीज ऑफ के वाई सी नो योर कैंडिडेट एज सिटिजन्स वी प्रोवाइड आर के वाई सी टू द इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस इट वी डील विद बट डू वी नो आर लीडर्स दिस सीरीज के वाई सी नो योर कैंडिडेट सीक्स टू इंट्रोड्यूस योर कैंडिडेट्स टू यू We are right now in Mumbai Northwest and we have with us Mr. Ravindra Vaikar. Mr. Vaikar is from the Shiv Sena and he is the candidate for Mumbai Northwest. A four term corporator, three term MLA, a minister of state for housing, technical and higher education. He is a veteran, seasoned politician and administrator, a workaholic. He was once the close confidant of Uddhav Thakre. Now he is with the Eknath Shinde faction of the Shiv Sena, which has been recognized by the election commission as the original Shiv Sena founded by Balasab Thakre. Mumbai Northwest is a very interesting constituency, and we are grateful that Vaikar Saab has taken some time off from his hectic campaign schedule and joined us today. Jai Maharashtra. Jai Maharashtra. वाइकर साहब आर फर्स्ट क्वेश्चन टू इज एज अट इज यजन फॉर मुंबई नॉर्थ वेस्ट मुंबई के लिए विजन तो मैंने पहले ही दिखाया था मैं चार टाइम का नगर सेवक हूँ और चार टाइम का नगर सेवक होने के माध्यम से hmm. मैं स्टैंडिंग कमेटी में भी चार टाइम मेरे को सौ साल में चार बार स्टैंडिंग कमेटी पहली बार मिलने वाला मैं हूँ Okay. तो मुंबई की पानी की समस्या थी जहाँ मैंने 2900 हज़ार पानी मुंबई को मिलता था हम लोग 90 लीटर पानी सभी को देते थे 4000 हजार दश लक्ष लीटर पानी हमको चाहिए था तो हमको 2900 मिलता था तो मैंने बादशाह से पंप लगा के छः महीने के अंदर हम लोग ने 450 सौ पानी एक्स्ट्रा लाया फिर अपर वेतरना और मिडल वेतरना के बीच में हम लोग ने धरन बांधा उसका नाम लिखा हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे मध्य प्रकल्प वहाँ से साढ़े चार सौ एम एल टी पानी लाया इसी प्रकार से नौ सौ लीटर पानी मैंने मेरे कार्यकाल में उस टाइम मुंबई के लिए लाया जो अभी तीन हज़ार आठ सौ दशलक्ष लीटर पानी देते हैं जहाँ हम नब्बे लीटर पानी देते थे अभी उस जगह हम लोग अभी एक सौ पैंतीस लीटर पानी देते हैं बाद में ट्रामा जैसा हॉस्पिटल का काम ईस्ट वेस्ट का दोनों ब्रिज दोनों जोगेश्वरी का ईस्ट और वेस्ट का दोनों ब्रिज का, का काम किया है मैंने फिर जो खिचड़ी का ये था तो खिचड़ी की भी योजना मेरे ही कालेख में लाई थी कि चावल देते थे सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से तो बोला कि चावल तो घर में सब जाके खाएंगे बच्चे को मिलेगा ही नहीं तो खिचड़ी की योजना आई तो हम लोग पर हेड अढ़ाई रुपया तभी ये गया और करीबन साढ़े लाख बच्चे स्लम मुंबई महानगर पालिका के स्कूल में जाती है तो उनको किचड़ी का एक नया तरीका लाया और खाने लगे आपके मंत्री नो मंत्री मुंबई कारपोरेशन के बाद कारपोरेशन के बाद ओके okay. तो ये एमएलए बनने से पहले पहले तो मैं 92 में पहला कॉर्पोरेटर बन गया 92 में जहां इधर जोगेश्वरी में एक्चुअली चार बार पराजित हुई थी शिवसेना चार बार हमारे दोस्त थे पराजित हो गए थे और फिर मैं जो चुनना मेरे को सभी लोगों ने बोला कि इनको टिकट दे दो तो मेरे को टिकट दिया गया मैं सादा एक सीवसेनिक था तो पहली बार मैंने चुन के आया तो करीबन दस हजार एक सौ अट्ठाईस वोटों से चुन के आया बम्बई में मुंबई में सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीत के आया फिर दूसरी बार जीत के आया तेरह हजार से फिर तीसरी बार चुन के आया पंद्रह हज़ार से चौथी बार चुन के आया अठारह हज़ार से तो इसी प्रकार से और तभी मेरे को स्टैंडिंग कमेटी मिली तो उस टाइम का जो काम मैंने किया था जो बच्चों के लिए सत्ताईस चीज़ देना तो बच्चे तो स्लम से आते थे सात लाख बच्चे थे मुंबई कारपोरेशन के अंदर तो उनको कपड़ा नहीं होता था बच्चे लोग फ्रॉक विक नहीं रहते थे बूट नहीं होते थे दफ्तर नहीं होती थी, पानी की बॉटल नहीं तो पहला सत्ताईस चीज़ देने का काम मैंने किया वो स्लम के बच्चे लोग को उस टाइम एस उस टाइम नहीं थे अपने शिवर ट्रीटमेंट प्लांट था उसकी भी योजना हमने लाई थी तो इसी प्रकार से अच्छा अच्छा काम करते गया फिर मेरे को एम हो गया फिर एम एल में मैंने अच्छा काम किया आ, मेरे पास हायर दो हज़ार चौदह और उन्नीस में मैं राज्य मंत्री था हायर एजुकेशन में बदलाव लाया जो बदलाव इसके लिए लाया कि हमें पढ़ाया जाता था जो शिक्षण हमें काम में नहीं आता है समझो गाड़ी इम्पोर्टेड गाड़ी बाहर है और हम सिखाते थे, थे रेडिएटर किसका तो अम्बेसेटर का तो उसका क्या फर्क पड़ता है कि उसका काम ही नहीं मिलेगा तो उसने बदलाव लाया कि वो जो अभी उसको दो पैसा मिले नौकरी के माध्यम से या कुछ करे वही शिक्षण देना चाहिए तो उसमें वो बदलाव लाया फिर एजुकेशन में बहुत सारा बदलाव लाया मैं जब मंत्री था तो कोकन का भी यानी रत्नागिरी का पालक मंत्री था और रत्नागिरी के पालक मंत्री होने के नाते कोकन की जनता को मैंने जो काम किया है वो काम से प्रभावित हो गई थी जो कसीड़ी घाट है जो कोकन में जाने के टाइम खेड़ के अंदर उसको एक बे यानी भोगदा करने का काम किया था मैंने जो अभी चालू हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से जो फंडिंग आया था तो उसके माध्यम से मैंने फॉलोअप लिया बीस बाईस मीटिंग ली और बारिश के टाइम उसके अंदर सब पत्थर बित्तर गिर के वो रास्ता सब बंद होता था काफ़ी दिन तो जाने भी जाती थी तो कसेड़ी बोगदा करने का मैंने काम तभी पाँच सौ दस करोड़ रुपया खर्चा करके सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट का मीटिंग करके वो चालू कर दिया था वो अभी पूरा होने आया तो बहुत बड़ा काम हो गया था वो फिर शिवाजी महाराज का पुतलाई का, का काम किया था मैं राजापुर में कि जो शिवाजी महाराज का पुतला पुतला इतना था तो मैंने देखा अरे शिवाजी महाराज कितने बड़े थे जहाँ हम लोग ने राजापुर में जो वखार थी अंग्रेजों की उसके ऊपर ये गए थे तभी शिवाजी महाराज जी तो मैंने उधर साढ़े नौ फुट का ब्रांच का पुतला उधर बैठा दिया फिर संभाजी महाराज को भी अरेस्ट किया था संगमेश्वर में कस्बा में तो उधर भी संभाजी महाराज जी का पुतला ये कर दिया अभी चिपड़ून में मैं शिवाजी महाराज का पुतला बैठाने जा रहा हूँ गांव गांव में रस्ते नहीं थे तो मुख्यमंत्री सड़क योजना का प्रयोजन हम लोग ने किया पानी की योजना नहीं थी तो पानी की योजना लाने का प्रबंध किया तो एक बालक मंत्री कैसा होता है तो वो भी मैंने बता दिया कि कैसे काम करने से एकादा पद मिलने के बाद उसको न्याय देने का काम मैंने उसी प्रकार से कर दिए तो वो भी उसके अंदर एज अ मिनिस्टर होते हुँ, हुँ, तो गार्डियन मिनिस्टर होते तो yes. कैसा काम करना चाहिए वो भी उसके अंदर मालूम किया, है। किया है वो तो।, तो इसी प्रकार करते करते अभी चार बार कारपोरेटर तीन बार एमएलए एल ए साल मैंने अभी एक राजकारण में हूँ और पचास साल का मेरा शिवसेना से संबंध है मैं शिवसेना शिवसेनिक था तो पचास साल की मेरी सामाजिक सेवा में पैंतीस साल में लोक प्रतिनिधि रहा पहली बार एम हो गया मैं पंद्रह हज़ार से जीत गया दूसरी बार तीस हजार से तीसरी बार मैं नब्बे हजार के ऊपर जीत गया है तो इसी प्रकार बार बढ़ते बहुत बड़ा मार्जिन मिला मेरे को मार्जिन फिफ्टी नाइन थाउजेंड का मेरे को नब्बे हजार छः सौ पैतालीस या बयालीस कुछ ऐसे वोट मुझे मिले थे तो इसी प्रकार अभी मुझे चांस मिला लोकसभा जाने का तो लोकसभा के अंदर जो भी प्रॉब्लम है समझो मेरे यहाँ गूंफा है तो इधर विधानसभा में बोल के फायदा नहीं उसका उधर ही बोलना चाहिए आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से तो उधर भी होना चाहिए फनेल का प्रश्न है हमारे यहाँ फनेल जो आता है वो चार किलोमीटर इधर तक आता है जोगी शुरू तक यानी सांताक्रूज से चालू होता है तो इधर तक आता है फनेल तो उसकी अ, बिल्डिंग की हाइट का प्रॉब्लम होता है बाद में तुम्हारी झोपड़पट्टी है हमारे एयरपोर्ट के उधर विमान का जब हम लोग आते बाहर से आते तो ट्रैफिक हो जाती है ऊपर आधा आधा पावना पावना घंटा ही हो सकता है तो बाजू का झोपड़ी वे झोपड़पट्टी का डेवलपमेंट करेंगे तो हमारे को और जो वे चाहिए अंदर विमान वे, उतारने के लिए चलने के लिए तो हम लोग वे कर सकते हैं ना दो तो इसी प्रकार से गुफा का प्रॉब्लम हो सिविलाइजेशन का प्रॉब्लम हो झोपड़गट्टी का प्रॉब्लम हो और पर्टिकुलरली मुंबई शहर में एक्चुअली डीपी बनता है तो डीपी के अंदर हर साल एक क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह भी होती है कि राज्य शासन की जगह होती है मुंबई कारपोरेशन भी होती है प्राइवेट जगह होती है तो डीपी में खाली हम एक ही बात करते जब हमारे डीपी में सेंट्रल गवर्नमेंट के जगह में हमको कुछ बोलना है समझे रेलवे के बारे के बारे, बारे में कुछ कहना है रेलवे के अंदर की झोपड़पट्टी है उसका प्रश्न हो कैसे सॉल्व करें तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कानून है उसको ही लगा ये करना है तो बोलना किधर पड़ेगा उधर ही बोलना पड़ेगा हमको तो इसे गुफा का प्रश्न है उधर ही बोलना पड़ेगा रेलवे का, का प्रश्न इतना लोग जाते हैं इतना ट्रैफिक में रेलवे के अंदर सुबह जाते तो वापस आएंगे कि नहीं मालूम नहीं तो ये सब प्रश्न है तो उसके बारे में विधानसभा में लोकसभा में बात करना जरूरी है हमारा मराठी भाषा का प्रश्न का ये है कि मराठी भाषा को अभिजात मराठी भाषा का दर्जा मिलना चाहिए बाकी के सात स्टेट स्टेट में मिला है बाकी के लैंग्वेज को तो मराठी को क्यों नहीं फार्मर के बारे में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है तो क्यों कम मिलता है तो ज़्यादा मिलना चाहिए और क्या करना चाहिए ये सब प्रश्न होते हैं तो उसका इलाज लोकसभा है तो लोकसभा में जाके वो हम लोग बयान करेंगे या बोलेंगे हम तो बोलने वाले आदमी हैं कॉरपोरेशन में बोलते थे विधानसभा में बोलते थे तो उधर भी बोलना है और लोकसभा में पूरा देश के जो राज्य है वहाँ से जो बुद्धिवादी जो होते वो लोग आते हैं तो उनके अंदर अंदर बोलने वाला एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए पढ़ा लिखा पर्सन होना चाहिए तो वही वो, वो काम कर सकता है बोल सकता है नहीं तो नया कोई आदमी जाएगा जिसको कारपोरेशन की मालूम नहीं जो लोग जिसको विधानसभा भी मालूम नहीं तो उधर खड़ा होना और होके बोलना वो बहुत बड़ी बात होती जाती है पैर लटपटा जाएंगे क्या बोलो और क्या नहीं बताऊँ कौन से सब्जेक्ट के ऊपर बोलू क्योंकि जो मुझे जानकारी है तो इसीलिए ये सब प्रश्न मुंबई के बारे में महाराष्ट्र के बारे में लोकसभा में जाके उस सॉल्व करने के लिए मुझे उधर उधर चुनाव के लिए खड़ा हूँ और इसके लिए मुझे लोग वोट दे और मैं चुन के जाऊँ इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग थैंक यू आपको कैंपेनिंग करने के लिए बहुत वक्त नहीं मिल रहा है ये संदेश आप लोगों तक तो कैसे पहुँचा देंगे अब कम वक्त मिला है बीस दिन के अंदर बहुत ही कम है उसमें फॉर्म भरना तुम्हारा ऑफिस खोलना मूर्त का नारियल फोड़ना फिर उसके बाद प्रचार सभा करना और छः वार्ड है विधानसभा के उसके अंदर जाना यानी गोरेगांव का एक ईस्ट वेस्ट जोगेश्वरी ईस्ट वेस्ट अंधेरी ईस्ट वेस्ट तो इसी प्रकार से सब जगह पहुँचाना और एक विधानसभा में कम से कम छः सात एम एल के नगर सेवक के अवार्ड होते यानी फोर्टी वन कारपोरेशन के वार्ड है मेरे यहाँ अभी इतना पहुँचाना तो मतलब बहुत बड़ी बात है मगर मेरा नाम है कि ये आदमी ने काम किया है अब जोगेश्वरी विक्रोल लिंक रोड देखेंगे हॉस्पिटल देंगे ईस्ट ब्रिज देखेंगे पानी की समस्या होगी हॉस्पिटल की, की समस्या होगी इसके पर माध्यम से मैंने कारपोरेशन में बहुत सारे मेरे को प्राइज मिलते उधर बेस्ट नगर सेवक अवार्ड मिला था बाद में जन नवशक्ति अवार्ड मिला था आचार्य अच्छा यात्रा अवार्ड मिला था कि अच्छा काम करते करके तो एक नाम है एक ब्रांड है काम का नाम है ये मातोश्री भी में पहले टर्म में कार्पोरेटर होते हुए मैं मातोश्री बनाई ये जो इसको 25 साल हो गया अभी ये मुंबई महानगर पालिका की जगह था जब जब डीपी में पंद्रह टक्का का काम करने का था तो मैंने इस जंगल में लिया था यहाँ रोड भी नहीं था पहला यहाँ से पवई जाना है तो अंधेर से घूम के जाना पड़ता था ये कुछ भी नहीं था ना रोड था ना डेवलपमेंट थी कुछ भी नहीं थी ना कोई डेवलपर इधर डेवलप करने के लिए आता था और हिंदू मुसलमान का चार राइट हुआ था इधर चौरातर चौरानसी एटी नाइन नाइन्टी वन एक दंगलग्रस्त एरिया था तो उस दंगलग्रस्त एरिया के अंदर जो हिंदू मुसलमान दंगल होती थी उसके अंदर मैंने शांति प्रस्तापित कर दी इसके लिए अभी बड़े बड़े बिल्डर आते नया नाम हो गया था पहले बिल्डर लोग भी मुंबई सिक्सटी नहीं लिखते थे अंधेरी 93 लिखते थे जोगेश्वरी में काम किया तो भी ऐसा होता था अभी ना अभी मुंबई मुंबई नंबर साठ लिखते क्यों डेवलपमेंट हुई करके तो एक डेवलपमेंट का नाम वाइकर नाम है डेवलपमेंट का ब्रांड है उसके लिए लोग जानते हैं कि जोगेश्वरी विक्रोल जाते तो मेरा नाम ही चलता है उधर से okay. तो सब लोगों को मालूम है और सब लोग जानते हैं ना टीवी के माध्यम से पेपर के माध्यम से सभी माध्यम से लोग जानते हैं हमारा डाटा ही निकाल देती है इसने क्या किया ये क्या करता है क्या नहीं करता है कितना पड़ा है कैसा होता है तो इसीलिए मेरा एक ब्रांड नाम काम का नाम का ब्रांड है वो चलेगा इसके लिए मेरे को काफ़ी है जैसे इसके बारे में वाइकर ये काम के बारे में वैसे हमारे देश के पंतप्रधान जी ने भी काम किया है देश के पंतप्रधान जी ने जो हेल्दी वेल्दी जो हमारा हिंदुस्तान बनाने का कोशिश किया है जो दस साल में जो प्रोजेक्ट नए लाए चांद के ऊपर भी हम लोग पहुँच गए बड़ी बात है नहीं, नहीं सोचा नहीं, 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 नहीं था इतना लाखों किलोमीटर में जाके वो चांद हमारा झंडा लहराएगा या नाम होगा जाएगा उसका तो उसी प्रकार से डेवलपमेंट की काम उन्होंने किए और हमारे बॉर्डर के हो गए पहला हमें युद्ध हो जाएगा किसी आजू बाजू के पड़ोसी से तो हमको अमेरिका के पास झाँकना पड़ता था बाबा हमको सपोर्ट दे रशिया के बारे में हमको वो सपोर्ट दे अभी जरूरत नहीं हमें हम हमारा देश प्रोटेक्ट कर सकते है वो दिखा दिया मोदी जी ने तो इंडिया जब क्वालिफ एजुकेशन में औरतों के काम के लिए उनके लिए फार्मर के लिए सभी के लिए उन्होंने काम जो किया है वो एक मिसाल है दूसरा हमारा महाराष्ट्र शासन में जो माननीय मुख्यमंत्री एक नाथ जी सिंधे है देवेंद्र जी फडणवीस है हमारे पवार साहब अजित पवार जी है इन्होंने भी अभी जो काम किया है एक डेढ़ साल में जो काम किया है वो भी फास्ट काम किया है फास्ट काम किया है।, है उसके वजह से वो भी लोगों के सामने अपील हो जाता है कि स्पीड वाली अच्छे काम करने वाली सरकार है तो केंद्र में राज्य में कारपोरेशन में हमने काम की तो उसका फायदा तो होगा ना जरूर लोगों के अंदर तो वो मिसाल होगी कि ये लोग काम करने वाले है और काम करने वालों को वोट दिया जाता है तो डबल इंजन का सुना है यहाँ ट्रिपल इंजन की ट्रिपल इंजन ट्रिपल ब्रांड तीनों तीनों का ब्रांड है लोग मोदी जी का है या मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी का है और उधर रविंद्र भाईकर का ब्रांड है तीनों ब्रांड चलेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी आपके सामने वाले आपके बारे में बहुत कुछ कहते हैं आ, आप उनके टक्कर में आपके उनके कुछ डिफेंड करना चाहेंगे जो कोई बोलता है वो नया है मैं खुद क्रिएटिव आदमी हूं मैंने निर्माण खुद से किया है सब ये जो भी जो कि निर्माण किया मातोश्री का हो चाहे नगर का तालाब हो जोगेश्वरी श्री विकलो लिंक रोड हो गुफा के बाजू की झोपड़पट्टी निकालने का काम हो उनको घर देने का काम हो एसारे एस का डेवलपमेंट करने का काम हो वो मैंने खुद के नाम से किया है मेरे खुद का एक्सपीरियंस है खुद मैं करता हूँ तो मुझे उतना नॉलेज है तो मैं उन उन्होंने मैं इनका लड़का हूँ मैं ऐसा है और मेरे को चुन ऊँचना को अनुभव है तो मैंने काम किया ये मैं नहीं बोलते जाऊँगा मेरे पास एक्सपीरियंस है काम करने की ताकत है काम करूंगा काम करना चाहता हूं इसके लिए मैं उनके ऊपर कोई आरोप करूं मैं मेरा काम से मैं बता दूंगा इसके लिए वो क्या कहते उससे मेरे उसके अंदर मेरे को जाना ही नहीं है मैं क्या करूंगा वो बेकार रह करके मेरे को वोट दो नहीं मैं कितना अच्छा काम कर सकता हूँ और किया है ये बता के मैं वोट लूंगा इसके लिए मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं करता हूं, कभी भी नहीं करता हूँ ट्रॅक रेकॉर्ड आहे ट्रॅक इसीलिए मैं चाहता मी लोकांना अपील करू इच्छितो कि लोकसभेच हे इलेक्शन खूप महत्वाचं आहे तुम्ही सर्वांनी येऊन वोटिंग केलीच पाहिजे आणि ही वोटिंग करत असताना माझ चिन्ह महायुतीच चिन्ह हे चिन्ह धनुष्यबाण आहे या धनुष्यबाणाला वीस तारखेला येऊन तुम्ही बटन दाबलं तर ते बटन हे माझ्या इथं निवडून आणण्यासाठी खूप उपयोगाचं असेल आणि त्या बटनाच्या आधारे मी निवडून आल्याच्या आधारे माझं एक मत तुम्ही मत तुम्ही मला दिलेलं मत हे माझं एकमत मोदीजींना पुन्हा पंतप्रधान बनवण्यासाठी खूप महत्त्वाचं होणार आहे आणि त्या ते मत तुम्हाला तुम्हाला देखील आनंद मिळतील की मिळेल की बाबा मोदीजी पुनश तिसऱ्या वेळेला पंतप्रधान झालं आणि माझं ओट एक कामाला आलं आणि म्हणून मी विनंती करतो आहे की तुम्ही धनुष्य बाणाला मतदान करावं असे मी इच्छा व्यक्त करतो आहे ती तुम्ही पूर्ण कराल धन्यवाद जय हिंद जय महाराष्ट्र वी कॉंग्रॅच्युलेट यू ऑन गेटिंग द नॉमिनेशन अँड वी विश यू ऑल द बेस्ट जय हिंद धन्यवाद